सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। चीन चांद बना रहा है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, यही बताया मैंने, चीन चांद बना रहा है। आपने सुना होगा चीन सब कुछ बना लेता है, सुई से लेकर के पहाड़ तक सब कुछ चाइना में बनता है, सब कुछ आपको मेड इन चाइना मिलता है। लेकिन अब चांद भी मेड इन चाइना होगा। जी हां, चीन अपने आसमान के लिए, खुद के लिए एक नया चांद बना रहा है, जो कि उसके देश को रोशन करेगा, उसके अपने शहरों को रोशन करेगा। जी हां, पहली बार आज से लगभग एक साल पहले 2018 में वू चुनफेंग नाम के एक वैज्ञानिक ने यह कॉन्सेप्ट दिया था अपने शहर को रोशन करने के लिए। चेंगदू नाम का एक शहर है चाइना में, जिसको कि रोशन करने के लिए वू चुनफेंग नाम के एक वैज्ञानिक ने यह कॉन्सेप्ट दिया था कि वो अपने शहर के लिए एक आर्टिफिशियल चांद बनाना चाहता है और वो अपने शहर को रोशन करेगा। और लगभग चेंगदू शहर की जो 174 मिलियन जो बिजली की खपत है वो उससे दूर हो पाएगी, स्ट्रीट लाइट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, शहर में रोशनी ही रोशनी रहेगी। अब सवाल ये है कि ये चांद कैसा होगा, क्या आर्टिफिशियल चांद बनाना संभव है, क्या ऐसे चांद को ऊपर आसमान में एक जगह फिट रखना पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि धरती घूमती रहती है। आपने हमने सबने बचपन से पढ़ा है कि पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती रहती है सूर्य के, और इसी वजह से दिन और रात होते हैं, बीच में जब चंद्रमा आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो ऐसा कैसे संभव हो पाएगा कि घूमती हुई पृथ्वी के बीच में एक चंद्रमा ऊपर आसमान में रहेगा और उसकी कितनी ऊंचाई पर वो रखा जा पाएगा जिससे उसकी रोशनी पृथ्वी तक आ पाएगी। सबसे बड़ी चीज, क्या चांद बनाना मुमकिन है? ये सवाल हमारे और आपके जहन में कई बार कौंधेंगे। कुछ वैज्ञानिकों से बात करके और जो जानकार हैं उनसे जानकारी लेने के बाद ये बात समझ में आई है कि दरअसल चीन ये जो चांद बनाएगा एक तरह का आर्टिफिशियल चांद होगा, जिसको कि पृथ्वी और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दोनों के बीच में कहीं रखा जाएगा। उस जगह पे जो ये चांद होगा, इसके नीचे की जो सतह होगी वो आईने की तरह होगी, शीशे की तरह होगी, जो जिस मिरर का आप इस्तेमाल करते हैं उस तरह की होगी, और उस पर सूरज की रोशनी उस पर डाली जाएगी, उससे उसकी रोशनी रिफ्लेक्ट होकर के फिर पृथ्वी पर पड़ेगी, या जिस शहर के ऊपर या जहां पे भी वो रखा गया होगा चाइना में, उस शहर के ऊपर उसकी रोशनी आएगी और उस शहर को वो रोशन करेगा। लेकिन ये इतना भी आसान काम नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया पृथ्वी घूमती रहती है, ऐसे में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और पृथ्वी के बीच में अगर ये आईना जो हम आपको बता रहे हैं कि आईने की तरह का एक लगाया जाएगा जिससे रोशनी आएगी, अगर वो लगाया जाता है तो उसको लगाना इतना आसान काम नहीं हुआ, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसकी लंबाई चौड़ाई और जो है बताते हैं कि लगभग एक बड़े फुटबॉल के मैदान के आकार की होती है, और उसके 8 गुना बड़ा ये आर्टिफिशियल चांद होगा। जी हाँ, सिर्फ 8 गुना बड़ा उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ही बड़ा नहीं होगा, बल्कि जो असली चांद होता है, जो एक्चुअल चांद होता है, उससे 8 गुनी ज़्यादा रोशनी इस आर्टिफिशियल चांद से आएगी। तो कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, ऐसा हो सकता है कि एक डिसऑर्डर पैदा हो जाए कि जो रोशनी इतनी आएगी जो चांद से 10 गुनी ज़्यादा होगी, तो जो रात में जीने मरने वाले, जीवन यापन करने वाले लोग, पक्षी हैं, जंतु हैं, जीव जंतु हैं, उनका क्या होगा, या फिर हमारे आपके जैसे लोग जिनका बॉडी इस तरीके की है कि आप दिन में जगते हैं रात में सोते हैं, और जब दिन और रात हर तरफ एक जैसा उजाला होगा, सूरज जैसी रोशनी होगी, तो फिर कई तरह की दिक्कतें, बीमारियां और तकलीफें पैदा हो सकती हैं। तो अभी इतना आसान नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि चीन इस मामले में पूरी तैयारी कर चुका है। हालांकि आधिकारिक तौर पे ये कुछ भी चीन की तरफ से नहीं बताया गया है कि ये कब तक ये चांद आर्टिफिशियल जो उसका है उसके शहर के ऊपर दिखेगा या उससे उसके शहर रोशन होंगे, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि 2020 तक चेंगदू शहर के ऊपर, या चेंगदू शहर, चीन का चेंगदू शहर अपने चांद की रोशनी से रोशन होगा,
और 2022 से 23 तक चीन ऐसे 2 से 3 और चांद बनाने की कोशिश में लगा हुआ है और शायद वो सफल भी हो जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो एक बहुत बड़ा चमत्कार माना जाएगा, क्योंकि साइंस की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि चीन के नाम जुड़ जाएगी और चीन का अपना चांद होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।